येस वी आर लाइफ नाव हेलो फ्रेंड्स दिस इज ए मैंशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे ई वी एस क्लास फोर्टीथ है जिसमें एन सी आर टी की समरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक चैप्टर वाइज आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं एनसीआर टी की समरी अपने आप में बड़ा कॉन्टेंट रहता है जिसमें डिस्कशन में टाइम लगता है और अगर एक दिन में सब कुछ कर लें तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा मतलब वो ठहरेगा नहीं दिमाग में तो ये जरूरी है कि इसको हम खत्म करें जल्दी से जल्दी फिर इंग्लिश पैडागॉजी है या सी का रिवीजन है ऑलरेडी मैंने दो प्ले बनाई हुई है सी की अगर ना देखिए उनको देखिए इतने इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी प्लेलिस्ट आप देखिए इंग्लिश पैडागॉजी का कॉन्टेंट मतलब कुछ चैप्टर्स और इसके अलावा सी का जो रिवीजन रहेगा वो मैं कराऊंगी तो परेशान ना हूँ आप लोग इस बात को लेकर के मैथ्स पैडागॉजी का जो टेन सेशंस हैं यानी कि कुछ हंड्रेड क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे हम लोग तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है बस जो सेशन है आज वो टेन पी है मतलब दस बजे है रात को क्या हुआ एक मिनट को एक मिनट को एक बार देखने दो ये चलने में क्या समस्याएं आ रही हैं हाँ तो आज ऐसे दस बज गए तो क्या कर सकते हैं अब वैसे बिजली चली जाए तो क्या करेंगे इतना बड़ा सा इन्वर्टर लगवाया था बट जो अंकल इन्वर्टर लगा के गए उन्होंने कनेक्शन करना भूल गए स्मार्ट बोर्ड का मतलब कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इससे तो पहले वाला ही रहने दिया होता खैर अब लॉकडाउन में किसी को बुला नहीं सकते तो समस्याएं सबके जीवन में हैं कुछ कुछ मजाक के रूप में लीजिए खुश रहेंगे अदरवाइज तो रोते रहेंगे हमेशा ऐसे कंप्लेन करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में आप मत बनिए एक ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं अरे कोई नहीं यार जिसको लोकेन्द्र अगर किसी को ने नेगेटिव बोल के खुशी मिलती है तो बोलने दो मतलब अगर कोई सच में अपने जीवन में कुछ काम करेगा उसे फुर्सत है क्या किसी को कुछ बोलने की तो मान लो कोई बात नहीं इसी काम के लिए हैं वो लोग खैर लाइक शेयर अगर ना किया हो तो कर दीजिएगा आज आज के आज का जो टॉपिक रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे इसके अलावा गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में जानेंगे हम जानेंगे भुज में जो भूकंप आया था अभी कच्छ की जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी अभी अपनी बात में है ना और कुछ कुछ इस तरीके की चीजें जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती ही है लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तो लेट्स लर्न के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जिसपे नाइन्टी थ्री थाउजेंड लोग आप जुड़े हुए हैं तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो कौन सा टेलीग्राम चैनल है पता चले आपको और टेलीग्राम चैनल पर चले जाए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ये एक चैप्टर है जिसमें एक जहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है ठीक है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है आ सकता है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मतलब ये डाइजेशन से पाचन से रिलेटेड एक चैप्टर है मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देती हूँ जो हमारे पेट का जो हमारा स्टमक है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है आप लोग बताएंगे एक बार तो थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस दूसरा हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो लिक्विड हैं जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पच पाता है यानी कि वो कैसे हैं इन नेचर तो एसिडिक इन नेचर अम्लीय होते हैं जिसके कारण हमारा जो खाना है वो पच पाएगा तो एसिडिक जूसेस होते हैं हमारे पेट में जिनको हम लिक्विड कह रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस कहेंगे जिसकी वजह से पाचन क्रिया आपकी हो पाएगी ठीक है बात बिल्कुल यहां तक की क्लियर होगी है ना और बिल्कुल बिल्कुल अम्लीय होंगे एग्जैक्टली exactly. आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में बात हुई है एक पेशेंट की जो जिसका नाम आई थिंक पता नहीं मैं उसका नाम भूल गई और एक डॉक्टर हैं उनका भी नाम भूल गई क्योंकि ये सेशन लेट हो गया और मेरे दिमाग से निकल गया बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी और इसके बारे में कुछ चीजें जानना कि डाइजेशन कैसे काम करता है तो अस्टमक विद अ विंडो तो एक बात हुई है ये चैप्टर अपने दिमाग में रखना कई बार ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन कि इस चैप्टर में फ्रॉम डाइजेस्टिंग टू वॉट एवर इट इज टू डाइजेस्टिंग जो भी है इसमें ये कहानी है मार्टिन नाम है इस एक पेशेंट का जो ये लेटा हुआ है ये एक मिलिट्री में क्या था एक वॉरियर था एक सिपाही था और इसको गोली गोली लगी थी आई थिंक स्टमक में और इसको जब वो किया मतलब उसको देखा डॉक्टर ने तो ये काफी साल तक उसके पेट में एक छेद था है ना और इसको यहां से उन्होंने कुछ जूसेज निकाल करके बॉमेंट नाम था इनका मेमरी मेरी अच्छी ही है मतलब कितनी भी टेंशन हो आ, नहीं तो मुझे लग रहा था पिछले तीन महीने में मेरी मेमोरी पे काफ़ी फर्क पड़ा है लेकिन चलो अच्छा है तो मार्टिन है ये जो व्यक्ति है और बॉमेंट है ये डॉक्टर ठीक तो इन्होंने नौ साल तक इसको देखा प्रॉपर के भाई क्या इस, इसके पेट में क्या कैसे जो हमारा डाइजेशन है पाचन है वो कैसे काम होता है टेक प्लेस कैसे होगा और इन्होंने पाया के कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिनके हमने अभी बात की थी अम्लीय तत्व होते हैं जिसकी वजह से पाचन क्रिया हो पाती है तो इन्होंने गैस्ट्रिक जूसेस को निकाला पेट से कुछ इस मार्टिन के और उसको एक ग्लास में डाला और देखा कि बाहर भी अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पर रखें टेम्परेचर में उस उन जूसेस को जो पेट में है तो वो पचा पाएंगे चीजों को या नहीं तो उसमें बॉइल्ड फिश को डाला मतलब एक फिश को डाला बाद में वो पच गया लेकिन जो हमारे पेट में जो पाचन क्रिया है वो तेजी से होती है बजाय कि अगर उस जूस को हम बाहर रखें किसी ग्लास में तो ये एक छोटी सी बात हुई अब समझ लेते हैं किस एक डिस्कशन में ये चीज निकल के आएगी कि कौन सी चीज कितना टाइम लेगी पेट के बाहर और पेट के अंदर ठीक है समझते हैं <clears throat> देखिए एक बार देख पा रहे होंगे आप मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं फिर भी हल्का सा ही तो ये चीज एक देखिए इसमें बात हो रही है फूड आइटम है यहां पर फूड आइटम दिया हुआ है यहां दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर डाइजेशन इंपॉर्टेंट है ये पहले नहीं था इन्होंने अभी अपडेट किया है एनसीआरटी में अगर आप पुरानी एनसीआरटी देखेंगे तीन चार साल पहले तो नहीं मिलेगा अगर मैं बात करूं स्टमक में यानी पेट के अंदर पेट के अंदर कौन सी चीज को कितना टाइम मिलेगा और बाहर एक ग्लास में कितनी देर में ये चीजें आपकी पच जाएंगी समझते हैं फूड आइटम क्या है अनबॉइल्ड मिल्क मतलब कि बिना उबला ऐसे मतलब गांव गांव में लोग डायरेक्ट ग्लास गाय के नीचे से निकल के या के या, वहां से निकल करके दूध तो वो डायरेक्ट अनबॉइल्ड पी जाएंगे आप या मतलब कि बॉइल्ड नहीं है वो क्योंकि अमूल तो भैया पहले से बॉइल करके देता है तो आप उसको अनबॉइल्ड नहीं कह सकते ठीक तो अनबॉइल्ड है ये बिना उबला तो बिना उबला जो दूध है उसको दो घंटे पंद्रह मिनट लगेंगे पेट के अंदर और अगर ग्लास में डाइजेस्टिव जूस डाल करके वो जो एसिडिक जितने भी अम्लीय तत्व हैं उनको आप एक ग्लास में डाल दें पेट से निकाल करके तो उसमें चार घंटे पैंतालीस मिनट लगेंगे यानी कि ग्लास से बाहर ग्लास से बहुत बढ़िया ग्लास से बाहर क्या होगा घंटे चार, चार पैंतालीस मिनट मतलब ग्लास में पेट से बाहर और जो पेट है वहां पर दो घंटे पंद्रह मिनट लगेंगे बिना उबले दूध को पचने में डाइजेशन में उसके फिर बॉइल्ड मिल्क है भाई उबाल करके दूध आप दो घंटे में पचा लेगा पेट और चार घंटे पंद्रह मिनट लग जाएंगे फिर भी उस ग्लास में उस एक जूस जो आपने बाहर निकाल करके रखा हुआ है ठीक है बात इसके अलावा फिर है फुल बॉइल्ड एग फुल बॉइल्ड एग मतलब वही आपका उबला हुआ अंडा तीन घंटे तीस मिनट और यहां पर आठ घंटे लग जाएंगे मतलब देख रहे हैं आप कितना ज्यादा डिफरेंस है हाफ बॉइल्ड एग तीन घंटे ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में से और इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा दो चार पॉइंट याद रखिएगा देखो आने को क्वेश्चन हो सकता है एक भी ना आए बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि सिलेबस है और कई बार पूरे बीस बीस क्वेश्चन फंस जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा इसको और ये रॉ एग और रॉ एग बीटन की बात हो रही है खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक हां याद कर लेना एक आइडिया होना चाहिए आपको मोटा मोटा कि ज्यादा टाइम लग जाता है ग्लास में ठीक है बहुत बढ़िया परमानंद जी चलिए हाउसेज ऑफ श्रीनगर देख लेते हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर में क्या है मतलब श्रीनगर में कैसे घर होते हैं और अगर मैं बात करूं आपकी सिक्स थीम्स हैं ईवीएस में यानी छह थीम है ईवीएस के अंदर उनमें से एक थीम है शेल्टर की और ये उसके अंडर आएगा यानी इंपॉर्टेंट है हाउसेज ऑफ श्रीनगर श्रीनगर में कैसे घर पाए जाएंगे ठीक है अगर मैं बात करूं तो हाउस बोट्स पाई जाती हैं हाउस बोट्स हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 टू 9 फीट वाइड मतलब कि लंबी कितनी हो सकती है अस्सी से नब्बे और वाइड यानी चौड़ाई उनकी कितनी होगी आठ से नौ फीट तक तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे ठीक है बात यहां से बफरिंग नहीं है यहां से चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं पता नहीं आपको कैसे बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है यहां से चीजें ओके हैं कोई इशू नहीं है यहां से ठीक है बात बहुत बढ़िया श्रेया धन्यवाद ब्यूटिलाइज इन द आईज ऑफ द बी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है हाउस बोट है एक मतलब ये अंदर से घर के जैसी ही होगी और एक पानी में तैरती हुई बोट है शायद आपने कोई वीडियो देखा हो कुछ देखा हो श्रीनगर गए हो कभी तो आप इस बात से अवगत होंगे कि वहां हाउस बोट मिलेंगी जो पानी पर तैरेंगी 80 फीट से ज्यादा उनकी लंबाई हो सकती है और 8 से 9 फीट उनकी चौड़ाई हो सकती है हाउस बोट की तो ये हुआ एक प्रकार श्रीनगर के घर का ठीक है तो ये एक बात हुई आगे बढ़ेंगे एक मिनट रुको सोने का परेशान है लेट्स लर्न ही यूज करना है सोने का लेट्स लर्न विदाउट स्पेस ठीक है अगर मतलब लेट्स लर्न विदाउट स्पेस चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में दोनों को मिक्स मत करना है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट है डोंगा डोंगा एक और प्रकार है घर का ठीक है हमने बात की डल झील में क्या हाउस बोट पाई जाएंगी अब डोंगा की भी बात हो रही है एक डोंगा एक और प्रकार है दीज बोट्स ये भी बोट्स ही है ये भी क्या है नाव ही है इनके अंदर घर बना हुआ मिलेगा आपको दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक डल लेक भाई बड़ी फेमस है तो ये बोट्स कहां मिलेंगी डल लेक में मिल जाएंगे आपको इसके अलावा और झेलम रिवर में डल लेक और झेलम रिवर में क्या होगा ये आपको चार ऑप्शन बना करके दे देगा उनमें से कोई एक गलत होगा आपको ध्यान रखना है फ्रॉम इन साइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स ये घर के जैसी दिखती हैं जो बोट्स हैं अंदर से जैसे शिप्स वगैरह होते हैं और ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल घर के जैसी दिखती हैं एक खास बात मैंने शायद डिस्कस किया हो शायद ना भी किया हो है ना तो ये नाग गुम्फन का डिजाइन होता है हमने डिस्कस किया था नाग गुम्फन जो ये ऊपर सीलिंग में और इनको और भी कुछ कहा जाता है ये जो पूरा एम्ब्रॉयडरी काइंड kind ऑफ of है एम्ब्रॉयडरी नहीं कहेंगे कुछ पैटर्न जैसा डिजाइन है ठीक तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाँ नाव में मजा आएगा बिल्कुल ऐसी नाव में मजा क्यों नहीं आएगा अभी तो आप घर में मजा लीजिए कोई कहीं नहीं जा सकता है ना तो सही है हाँ चलिए लेट्स लर्न ऐप डाउनलोड मत कीजिए वो बंद कराया हुआ है उसको काफी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी दोबारा कराएंगे जब समय मिलेगा और चीजें ठीक होंगी ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग अभी हमने इसको समझा कार्व किया जाता है ना जो लकड़ी होती है उस पर कार्विंग की जाती है तो जो सीलिंग है वुड सीलिंग जो लकड़ी की सीलिंग है अभी हमने देखा था उस पर क्या है कार्विंग की हुई है और सीलिंग पर एंड सम बिग हाउसेस जो हाउस बोट्स हैं और कुछ बड़े घर हैं उनके अंदर सीलिंग पर लकड़ी पर जो वुडन सीलिंग है उस पर कुछ कार्विंग की हुई है कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं जिसमें से एक डिजाइन जो स्नेक इसने, से मिलता है उसको अः नागुम्फन कहते हैं ठीक है बात दिस डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद और जो दूसरा वाला डिजाइन मैंने साइड में दिखाया था आपको वो खतम बंद खत्म बंद कहलाएगा ये जिगसॉ पजल के जैसा होता है तो आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है नाग गुम्फन भी खत्म बंद भी और जिगसॉ पजल भी ठीक है बात बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे तो ये है हाउसेज ऑफ श्रीनगर फोटो में आप देख सकते हैं ये हाउस बोट हैं ये डोंगा है इधर डोंगा है ये और ये हाउस बोट है दोनों डल लेक में पाए जाएंगे ठीक है और अगर मैं बात करूं तो झेलम रिवर में भी पाया जाएगा जो डोंगा है ठीक है क्लियर हुई बात देखो यहां से कोई भी बफरिंग नहीं है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है वैन द अर्थ शूक मतलब कि ऐसे अगर मैं न्यूज चैनल की भाषा में बात करूं जब कांप गई थी धरती है ना वो ऐसे ही कहेंगे तो वैन द अर्थ शूक जब ऐसे हिल गई थी पूरी धरती ये भूकंप की बात है गुजरात के 2001 के ठीक है बात अगर मैं बात करूं ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन छब्बीस जनवरी दो हजार एक गणतंत्र दिवस दिवस होता ही है ठीक छब्बीस जनवरी दो हजार एक अर्थ को एक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात जो कच्छ एरिया है आप जानते हैं ये है गुजरात और ये कच्छ एरिया है है ना तो कच्छ में गुजरात के अंदर अर्थ आया था भयंकर अभी मोदी जी बात कर रहे थे आपने सुना होगा I'm not, वैसे आई एम नॉट मतलब फैन वैन वाली बात नहीं है बट ऑब्वियसली वी शुड रिस्पेक्ट तो आप सबको याद रहेगा उस बात से तो कच्छ में क्या आया था 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था जो आप बच्चों को पेडागॉजी में मदद करेगी ये चीज कि आप क्या करें जब भूकंप आए तो आपने भी सुना होगा बचपन में कभी ना कभी अभी डिस्कस करेंगे कि आप घर से बाहर आ जाओ अभी जैसे कोरोना कुरो, पर मजाक बन रहा था अभी दो बार तो आई चुका है डेली में भूकंप एक बार तो फील भी हुआ था है ना तो अच्छा भूकंप का ये रिक्टर स्केल और एक, और एक और जो दूसरा होता है उन दोनों को ध्यान में रखना कि किस किस चीज में काम आते हैं थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन आ जाता है एक्स्ट्रा में पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छह के ऊपर आई थिंक छह या सात के ऊपर जो रिक्टर स्केल पे अगर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो खतरनाक होगा उससे नीचे मतलब चल सकता है तो तीन के आसपास आया था दिल्ली में तीन साढ़े तीन ठीक नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए इफ पॉसिबल लीव द हाउस अगर पॉसिबल हो कोरोना हो कोरोना ना हो तो आप घर छोड़ के बाहर ओपन ग्राउंड में जा सकते हैं इसके अलावा If you cannot go out of the house, lay down under a strong thing like a table and hold on tightly. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ एक टेबल रखी हुई है मेरे पास आपके पास भी होगी कोई ना कोई तो उसको कसके पकड़ जाओ उसके नीचे घुस जाओ आप ठीक फिर इसके अलावा क्या है सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे ताकि ये स्लिप ना हो वेट अंटिल द शेकिंग stops. जो शेकिंग है वैसे ऐसा कभी ना ही हो तो अच्छा है फेस ना करना पड़े बट ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनको बताते हैं ठीक हुई बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात हो रही है अहमदाबाद की भाई गुजरात में आया था ना तो कच्छ इसके अलावा जो भुज है वो सब प्रभावित हुआ है पूरा एरिया ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ एक जगह पर आ गया हो और खत्म पूरा एरिया प्रभावित था ठीक है बात हाँ बिल्कुल अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की ये पिक्चर है अहमदाबाद कोरोना केसेस काफी हैं 2001 की 26 जनवरी की मॉर्निंग में ये आया और एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स यानी 150 बिल्डिंग के करीब क्या हो गई गिर बात, In these, there are a dozen buildings. मतलब कि बहुत सारी मल्टी स्टोरी होती है ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल तो उस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और बाय दिस इवनिंग अराउंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी बॉडीज ढाई सौ बॉडी मिल गई डेढ़ सौ घर गिर गए ये एक बेसिक बात हुई इसके अलावा दी सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स ये बात हो रही थी अहमदाबाद की जहां हमने देखा डेढ़ सौ के करीब जो घर हैं वो गिर गए इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी ढाई सौ डेड बॉडी मिल गई शाम तक ही बाद में और ज्यादा हुई होंगी और भुज में ये वाली सिचुएशन और खराब थी ठीक है विद इन एन आर ऑफ द अर्थ को द फायर एंजन हैड रीच एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग पीपल लोकल पीपल अब आपको एक चीज इसको बच्चों के नजरिए से पढ़िए तब आपको पैडोलॉजी में भी आपका एक नंबर नहीं जाएगा ईवीएस में मैं कराऊंगी भी हालांकि अब ये बात क्यों कही गई है कि एक घंटे के अंदर अर्थक्वेक के फायर इंजन आ गए वहां पर सेव करने के लिए लोगों को या मदद करने के लिए सिचुएशन को संभालने के लिए इसका मतलब क्या है आप बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या चीजें या क्या मेजर मेजर्स जो है गवर्नमेंट लेती है ठीक है बात सिंपल बात आगे बढ़ेंगे पॉइंट सुन लीजिए अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो ये एक बड़ी सी इमेज है पीडीएफ में एक बार पढ़ भी लेना सुन लो अभी तो सुन के याद रहेगा कोई कोई पॉइंट होता है ऐसा ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड मतलब ये एक चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ये बेसिकली हवा के बारे में है कि कैसे मॉइस्चर में चीजें होती हैं ये सारी चीजें अच्छा अच्छा पता नहीं क्या कह रहे हैं प्रतीक कई लोग तो बहुत ही दुखी हैं मतलब मुझसे कैसे दुखी हैं मतलब कई लोग जिनके पूरे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जिनका पता नहीं क्या क्या हो रहा है मतलब पचहत्तर तरह के लोग हैं यूट्यूब पर मतलब सब सबको सब मुझसे शिकायत है चलो अच्छी बात है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ठीक समझते हैं दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक उन्होंने ये स्टोरी लिखी है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ठीक है बात बहुत बढ़िया अंशु द एयर कमिंग आउट ऑफ आर माउथ कैन बी कोल्ड और हॉट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड मतलब कि जो एयर हमारे माउथ से आती है हमारे मुंह से बाहर निकलती है ऐसे करके देखोगे पता लग जाएगा गर्म आएगी अभी तो ठंडी आ रही है थोड़ी ऐसी चल रहा है ठीक तो द एयर कमिंग आउट ऑफ आर माउथ जो हमारे मुंह से जो हवा आती है वो ठंडी भी हो सकती है वो गर्म भी हो सकती है इट डिपेंड्स के टेम्परेचर क्या है बाहर का भाई आप पहाड़ों पर जाएंगे तो एक अलग मतलब ठंडी हवा का आप महसूस करेंगे गर्मी में आपको गर्म हवा आएगी तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ठीक थोड़ा स्लो पढ़ाएं ठीक है जी स्लो चल लेंगे हमारा साबुन स्लो नहीं है वैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हाँ बिल्कुल स्वप्निल कोई बात नहीं हाउ डज इट मैटर है ना कर्मा इज कुछ नहीं द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर मतलब कि जो ब्रीद है जो ए, क्या कहेंगे ब्रीद को आप कैन बी कोल्ड और जो आप हवा है ये जो भी है सांस है आपका कैन बी कोल्ड और हॉट यही बात हमने अभी समझी ये ठंडा भी हो सकता है ये गर्म भी हो सकता है डिपेंड करता है आउटसाइड टेम्परेचर आपका क्या है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर थी तो बिना एसी के बैठी थी तो गर्मी लग रही थी तो मैं यही ट्राई कर रही थी जब मैं ये पीपीटी बनाई है ना मजा आता है आप जिंदा रहो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आप सीरियस होकर के चलोगे तो फिर तो हो गया काम ठीक तो मैं करके देख रही थी बड़ी गर्म सी हवा आ रही थी मैंने कहा अच्छा अभी मैं यहाँ नीचे आई हूँ और ये डिस्कशन कर रही हूँ तो अभी ठंडी हवा आ रही है मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया ठीक तो ये आप देख सकते हो दीदी को <laughs> मतलब मजाक कर रही हूँ एक पिक्चर है कोई भी रैंडम किसी की तो ये देख रहे हो आप भाप जो है अच्छा आ, एक और चीज यहाँ से याद आई जो सर्दियों में हमारे मुंह से एक फॉक्स जैसा निकलता है बिल्कुल धुआं कह सकते हो आप उसको धुआं नहीं कहेंगे फॉक कहेंगे तो वो किस कारणवश निकलता है कमेंट करके बताइएगा थोड़ा वैसे कॉन्डेंसेशन होता है उसका कारण ठीक है बात हाँ बिल्कुल सही बात है अविनाश कुछ तो लोग कहेंगे नाम ले लिया राहुल आपका आगे बढ़ेंगे अब कॉन्डेंसेशन के कारण वो फॉग आता है सर्दियों में सिंपल बात नेक्स्ट पॉइंट है बचपन की याद आ गई होगी कई लोगों को ये मैंने बचपने वाला ही लगाया है बड़े बड़ों वाला नहीं लगाया ये स्टेथोस्कोप है ठीक जो डॉक्टर के पास होता है ऐसे डॉक्टर डॉक्टर खेला होगा आपने कभी तो याद होगा आपको ऐसे आता था इस में अभी भी आता होगा बट है ना हाँ तो स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन आर हार्ट बीट्स हमारी जो हार्ट बीट्स हैं उनको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर आपने देखा भी होगा वैसे कान में लगा कर डॉक्टर थोड़ा सुनेगा ठीक ये आपने यूज भी किया होगा कभी बचपन में खेलने में ठीक है बात तो ये एक बेसिक बात हुई स्टेथोस्कोप के बारे में क्लियर हुई बात आगे बढ़ेंगे द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज हैवियर अब एक चो, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ठंडी हवा है वो नीचे जाएगी और क्योंकि हैवी होती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी ठीक मोहम्मद शहनवाज कह रहे हैं थैंक्स मैम दिसंबर आई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ यू धन्यवाद मोहम्मद शहनवाज मुझे पता नहीं कितने कमेंट्स में अभी भी डेली बेसिस पे देखती हूँ जबकि मतलब ये ग्रेटिट्यूड ही है जो लोग इतने एक्टिव रहते हैं पेपर क्लियर होने के बाद भी और धन्यवाद फिर ऊपर से कुछ लोग आते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले ने पढ़ना वढ़ना होता नहीं है और उन्हें बस ये है कि पता नहीं हम कुछ बोल दें इसके बारे में और कुछ हो जाएगा जैसे मुझे बड़ा लालच है चलिए द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज है मतलब जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है कम्स डाउन नीचे की तरफ आएगी देख सकते हो आप इस डायग्राम में कोल्ड एयर क्या है सिंक नीचे की तरफ आएगी और जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर ही जाता है नीचे तो नहीं जाता ना देखा होगा आपने ठीक तो ऐसे स्मोकर्स को तो पता ही होगा कितने भैया तो एग्जाम्पल्स ले रही हूँ खैर कोई बात नहीं मतलब बात वही है कि गर्म जो हवा है वो ऊपर जाती है ऐसे भट्टा भट्टा जो होता है और इसके अलावा चिमनी जो होती है फैक्ट्रीज की जहां भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी क्लियर हुई बात है ना बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट है टीचर्स नोट इससे पेड़ागोजी में आपको मदद मिलेगी फनी होते हैं खैर एयर ब्लोन आउट फ्रॉम आयर माउथ इज हॉट एंड द मिरर इज कोल्ड मतलब अब बताया गया है मान लो ये मिरर है आपने देखा होगा सर्दियों में या वैसे भी तो ये मिरर है आपके घर में जो शीशा लगा है जिससे आप दर्शन करते रहते होंगे कई लोग अब तो लॉकडाउन है हर टाइम ठीक तो ये जो मिरर है आपका जो एयर ब्लोन आउट फ्रॉम माउथ इज हॉट आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो क्योंकि आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो गर्मी रहती है थोड़ी तो वो बाहर निकलेगी वो हॉट है और जो आपका शीशा है वो कंपेरेटिवली ठंडा है और इसलिए जब आप ब्लो करते हैं उसके ऊपर तो एक वो जम जाती है फॉक जैसी लेयर बन जाती है हेजी हो जाता है मॉइस्ट हो जाता है आपका मिरर तो इसका सिंपल सी एक बात है आपको शायद पता भी हो बट ये सब चीजें दिमाग में रहें तो अच्छा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है लाउड कम कर लीजिए माइक की कृपा है ये क्या कर सकते हैं <coughs> आगे बढ़ेंगे whose forests? अब बात हो इंपॉर्टेंट है, है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है अगर मैं बात करूं हु यानी कि जंगल किसके हैं यानी जंगल के बारे में राइट्स की बात हो रही है कि अधिकार किसका है जंगल पर पहला ऑप्शन है कुडुक इज अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल जो कुडुक है वो किसकी क्या कम्युनिटी है आदिवासी पीपल की जो कि झारखंड में है और ये भाषा भी है जो बोली जाती है झारखंड में ठीक है तो ये एक बेसिक बात हुई द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग आजकल जो जंगल है वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं हमें इमारतें बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स नजर आती है लेकिन जो फॉरेस्ट हैं जो पेड़ हैं अभी महाराष्ट्र में या मुंबई में आई थिंक सुनने में आया था बहुत बड़ा जंगल कटवाने की प्लानिंग चल रही है तो क्या है डिसअपियर होते जा रहे हैं गायब होते जा रहे हैं जंगल इन देयर प्लेस आर आर डग डैम्स माइंड बिल्ट मतलब कि उनकी जगह पर या तो माइंड खोदी जा रही हैं उनको हटा हटा करके या फिर डैम्स बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं कितनी सारी चीजें हो रही हैं तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज तोरांग क्या है जंगल को कहेंगे तोरांग किसमें में कुडुक लैंग्वेज में और कुडुक लैंग्वेज कहां बोली जाएगी झारखंड की एक कम्युनिटी में ठीक है सिंपल बात आगे बढ़ेंगे राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन टू थाउजेंड सेवन बाई राइट टू फॉरेस्ट एक्ट एक्ट आप लोग राइट टू एजुकेशन सुनते हैं 2009 2010 में अप्लाई हुआ है ना लेकिन अगर मैं बात करूं तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब बना 2007 में अब इसमें क्या कहा गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था द लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टेन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वन टिन ऑफ लैंड मतलब वन टिन ऑफ सीड्स जिस लैंड पर आप ग्रो करते हैं उसको वन ऑफ वन ऑफ लैंड कहा जाएगा सिंपल बात क्लियर नहीं सेशन तो कायदे में नौ बजे होता है बट आजकल 9:30 नाइन थर्टी है और आज थोड़ा और लेट है तो नौ बजे से कोशिश करोगे पता लग जाता है मैं डेली मतलब शाम को एक सेशन तो होता ही है नौ की कोशिश करेंगे कल से नौ बजे मिल पाए राइट टू फॉरेस्ट एक्ट की बात करेंगे ये लास्ट है आज के सेशन के लिए इतने आप लोग लाइक शेयर कीजिए अगर ना किया हो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयरस वो लोग जो पच्चीस साल से कहा रह रहे हैं जंगलों में रह रहे हैं हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट मतलब कि वो लोग जो पच्चीस साल से ज्यादा टाइम हो गया उनको जंगलों में रहते हुए तो उनका राइट है उस एक लैंड पर फॉरेस्ट लैंड पर एंड वॉट इज ग्रोन ऑन इट और वो क्या उगाए वहां पर उस पर भी ठीक है दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट उनको आप जंगलों से नहीं हटा सकते द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा ग्राम सभा होती है ना गांव के अंदर तो जो उनकी ग्राम सभा है वो काम करेगी कि वो जंगल प्रोटेक्टेड रहे और 25 साल से ज्यादा रह रहे लोगों को उस एक लैंड से आप नहीं हटा सकते स्पेशली जंगल की बात हो रही है तो ये राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है 2007 में आया इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार ध्यान में रखिएगा ठीक है एनसीआरटी एज पर एनसीआरटी चल रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे और ये सेशन खत्म कर देंगे हम लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर सकते हैं बेल बेलाइकॉन प्रेस कर सकते हैं बाकी यूट्यूब की मर्जी है नोटिफिकेशन तो ऑटोमेटिक होता है बेसिकली इसमें यूट्यूब भी कुछ नहीं कर सकता खैर तो एक ये बात हुई दूसरा टेलीग्राम पर मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ अच्छा आप जितने भी लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमें मिला नहीं क्या पीडीएफ नहीं मिला या आंसर दे दिया करो पीडीएफ के टेलीग्राम पर तो एक बेसिक सी बात है नहीं अभी विकास मैं एक ही क्लास लेती हूँ ऑलरेडी मैंने 1300 वीडियो का पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है उनको देखिए सी में सिलेबस चेंज हुआ अगली बार तो फिर से एक नई नई प्ले बनाएंगे तो थोड़ा सा वो एक बात है तो लेट्स लर्न स्क्वाड अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पर तो लेट्स लर्न यही लोगों दिखेगा आपको और कुछ नाइनटी लोग होंगे वहां है ना ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कई सारे अलग अलग लोगों ने कुछ फेक भी बनाए हुए हैं टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न के नाम से तो अगर आप वहां जा रहे होंगे तो हो सकता है पीडीएफ ना मिले या मिल भी जाए तो वो फेक ही कहलाएगा ठीक है तो ये पी मैं वहां शेयर करूंगी इसके अलावा एक और चीज आंसर की बात कर रहे थे है ना जितने भी लोग आंसर मांगते हैं आंसर क्या है आंसर वो जो क्वेश्चंस आपने यहाँ डिस्कस किया मेरे साथ उनके आंसर आपको याद नहीं हुए क्या या फिर आप वहां अगर जब देखते हैं उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके तो टिक कर लीजिए मतलब वो आपके टेस्ट के लिए है और एक बार पीडीएफ बन जाती है उसके बाद फिर उसको मार्क करना बड़ा असरदर्द हो जाता है तो कोशिश कीजिए मतलब मेरी तरफ से बेस्ट किया जाता है बट इतने आलसी मत बनिए है ना चलिए फिर टेक केयर ध्यान रखिए अपना हाँ नहीं जून में क्योंकि जुलाई में आ, या जब भी होता है पेपर लेकिन हम तो जुलाई मानेंगे अभी पाँच जुलाई जब तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस होता तो सेशंस दो कर दिए जाएंगे मैराथन सेशन ले लिए जाएंगे कुछ कुछ और इतने पुराने सेशंस देखिए मोर देन एनफ चीजें हैं चलिए फिर बहुत बढ़िया मोनू हाँ सोनी शर्मा नाम ले लिया आपका बहुत बढ़िया कृष्णास इंस्टीट्यूट और बताइए कोई समस्या हो तो मैं सोच रही हूँ एक रैंडम लाइव करते हैं किसी दिन मैं कब पता नहीं कब फ्री होंगी करेंगे <laughs> <laughs> dead, अच्छा उन्नीस सितंबर देखेंगे बहुत बढ़िया स्वप्निल चलिए और कोई समस्या हो तो बताएँ जितने भी लोगों की ये शिकायत रहती है मेरे से कि आप रिप्लाई नहीं करते या कहीं और तो कर देते हो अगर इतने सारे लोग होंगे और कहीं इतने होंगे तो ये ऑब्वियस है कि मैं वहाँ नाम भी ले पाऊँगी रिप्लाई भी कर पाऊंगी ऐसा नहीं है मैं नाम यहाँ नहीं लेती हूँ पूरे सेशन में मैं बीच बीच में नाम ले ही रही होती हूँ लेकिन अगर तीन लोग हैं तो उनमें से हो सकता है दस नाम मैं ले पाई हूँ उस सेशन में और वो रैंडम होता है तो ऐसी शिकायतें मत रखिए बच्चों वाली खुश रहिए सीखते रहिए उस चीज़ पर फोकस है और वो रहेगा ठीक है टेक केयर बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं कल मिलेंगे नौ बजे की मैं कोशिश करूंगी कि कल नौ बजे मिल पाए ठीक है कल भी ईवीएस होगा कल मैं सोचती हूँ मैथ्स पैडोलॉजी कर लेते हैं कल कई दिन हो गए चलो फिर टेक केयर अच्छा